रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। मौजू होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, शिकस्त की वजूहत क्या हैं, पाकिस्तान टीम हारी है, कोई अंदरूनी साजिश है, या पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, या मैनेजमेंट के साथ कोई इशूज़ हैं, कोचेज क्या कर रहे हैं, टीम से जो तवक्कात थी उस पर खिलाड़ी क्यों पूरे नहीं उतरे, मिसबाह उल हक का अपना मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या है, क्या मिसबाह उल हक जो पहला टेस्ट हारने के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे रहे थे वो अब रिटायर हो जाएंगे या उनका जहन बदल गया है और वो वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी करेंगे, क्या यूनस खान जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं और 10,000 रन से अब कुछ रन के फासले पर हैं, क्या वो 10,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के 13वें खिलाड़ी बन सकेंगे, ये एजाज उनको मिलेगा या वो भी रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट टीम का अब क्या हालात हैं, किस तरीके से वनडे सीरीज होगी और उसके बाद दौरे वेस्ट इंडीज के लिए क्या तब्दीलियां और क्या तैयारी और हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि शिकस्त की जो वजूहत हैं उनके ऊपर बात हो और आपके सामने वो सारे हकायक और वो सारे हालात जो हैं वो डिस्कस हो सके जो हमारे माहरीन ने सीरीज के दौरान भी डिस्कस किए और पाकिस्तान के ओपनर से लेके पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैनों तक और इसी तरह पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, किस तरीके से पाकिस्तान टीम ने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ पे हम मैच बचा सकते थे, कौन सा मैच हम जीत सकते थे और कौन से मैचेस हम शिकस्त से बचकर ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे, और ऐसा कोई लम्हा आया था जब ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे दबाव में थी, या ऐसा कोई वक्त नहीं आया पर हम बासानी सीधे हार गए, इस पे बात करते हैं। शहजाद साहब, कैसे देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान जो है चौथी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारा है और 1999 के बाद क्लीन स्वीप हुआ है, 1999 में बड़ा जबरदस्त बॉलिंग अटैक था, वसीम अकरम कप्तान थे, वकार यूनस थे, शुएब अख्तर थे, उससे अच्छा बॉलिंग अटैक हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए शायद ही कभी मिला हो, वो तब भी हार गए थे। आज वसीम अकरम ने खुद मैच के बाद कहा कि वो दौरा बड़ा अच्छा था और उसमें बड़े करीब पहुंच गए थे, सिर्फ एक मैच में उन्होंने 2-3 बैट्समैनों का नाम लिया कि वो रस्ते में आड़े आए और वो जीतता हुआ मैच हार गए और वो सीरीज भी हार गए। इस सीरीज में भी यही हुआ, लेकिन इस दफा बॉलिंग अटैक उतना बड़ा नहीं था, उसके बावजूद मिसबाह उल हक ने ये टीम लेकर गए और जब टीम लेकर गए थे तब भी सवालत उठ रहे थे कि मिसबाह उल हक जो मुतहदा अरब अमारात पर पाकिस्तान की टीम कितने अरसे से बड़ी फतूहत हासिल करते रहे, बड़ी उमदगी से क्यादत करते रहे, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो तवक्को यही थी कि टीम दबाव का शिकार रहेगी और मुसलसल 6 टेस्ट हारने का ये पाकिस्तान का बदतरीन रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या वजूहत है? देखें, वजूहत तो यानी कि सबसे बड़ी वजह फिटनेस, दूसरी वजह कोई साजिश, कोई अंदरूनी गेम, और तीसरी वजह मतलब ये कि जो शिकस्त हुई है वो ओपन शिकस्त हो गई आपको। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम 6 टेस्ट हारे, पहला टेस्ट हारे हम वेस्ट इंडीज से, फिर 2 टेस्ट हारे हम न्यूजीलैंड से, और अब 3 टेस्ट हारे आप ऑस्ट्रेलिया से, तो 6 टेस्ट हो गए। मिसबाह उल हक के बारे में ये कहा जाता है कि मिसबाह उल हक पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान हैं, जो स्टेटिस्टिक हैं और जो अदद शुमार हैं उसमें मिसबाह उल हक हमें कप्तानों में सबसे आगे नज़र आते हैं इमरान खान के बाद। तो मिसबाह उल हक का कप्तानी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नहीं, अब तो इमरान खान के बाद भी आगे निकल गए, इमरान से भी आगे निकल गए, इमरान से भी आगे निकल गए। तो इमरान, मैं कहता हूँ मिसबाह उल हक बहुत अच्छे कप्तान हैं और उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनको क्या कहते हैं ओपन फील्ड दी गई और उनको बिल्कुल बाइख्तियार बनाया गया और उसके नतीजे में उन्होंने रिजल्ट दिया और पाकिस्तान की टीम की कामयाब कप्तानी उन्होंने की। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हो गया था, फिर बाद में वो एजाज इंडिया के पास चला गया, अभी कुछ 2-4 महीने पहले आप नंबर 2 थे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे गए और उसके बाद फिर मिसबाह उल हक के दौर में ही हम बहुत ज़्यादा पस्ती भी चले गए। अब आप ये देखें कि कुछ जैसे जावेद मियां दास ने ये कहा कि मिसबाह उल हक के अलावा कोई आपके पास मुतबादिल नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मिसबाह उल हक को भी मौका दिया गया और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब हम ये देखते हैं कि यूनुस खान कप्तान हमारे पास एक मौजूद है, तो ठीक है आप कम अज़ कम यूनुस खान को एक मौका और दें, नहीं देते तो फिर सरफराज को मौका दें,
लेकिन ये कि मैं समझता हूँ मिसबाह अलग का दौर, मिसबाह अलग का ज़माना ख़त्म हो गया। अब अगर मिसबाह अलग ये सोच रहे हैं कि मैं फिर शारजा की विकटों पे फॉरेन टीमों को हरा के फिर मेरे डंके बजेंगे और मैं पाकिस्तान की टीम का मुसलसल इस्तेसाल करता रहूँगा और पाकिस्तानी टीम के ऊपर हुक्मरानी करता रहूँगा, तो मैं आपको ये बताऊँ कि मिसबाह अलग बहुत अच्छे कप्तान हैं, लेकिन मिसबाह अलग ने मेरिट का जितना खून मिसबाह अलग ने किया उतना खून पाकिस्तान की तारीख में किसी कप्तान ने नहीं किया। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उसने कई खिलाड़ियों के करियर ख़त्म किए, बर्बाद किए, लेकिन मिसबाह अलग उनसे भी आगे निकल गए। आप देखें कि फवाद आलम का करियर मिसबाह अलग ने ख़त्म किया, फैसल इकबाल का करियर मिसबाह अलग ने ख़त्म किया, उसके अलावा इमरान फरहत का करियर मिसबाह अलग ने ख़त्म किया, तो मतलब एक कामरान बिरादरन का करियर स्टेक पे है। तो हम ये देखते हैं कि और जो नए खिलाड़ी हैं उनको तो टीम में आने ही नहीं दिया, जो पुराने खिलाड़ी प्रूव कर रहे थे और वो अच्छा खेल रहे थे उनको मिसबाह अलग ने हटाया और अपना एक ग्रुप ग्रुप की शक्ल में चलते हैं। मिसबाह अलग जो इस वक्त कप्तानी करते हैं वो एक ग्रुप के साथ करते हैं, इंडिविजुअल कप्तान नहीं है। तो ये शिकस्त जो है ये पाकिस्तान की शिकस्त तो है ही, ये मिसबाह अलग के ग्रुप की भी शिकस्त है और ये खुद मिसबाह अलग की शिकस्त है। और मैं मैं जो आपकी गुफ्तगू से समझूं कि इस सारी शिकस्त की जो जिम्मेदारी है वो कप्तान के ऊपर आप डाल रहे हैं, यानी कप्तान की वजह से टीम हारी है, वरना ये टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारती अगर कोई दूसरा कप्तान होता। आप ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज खेली 2-4 महीने पहले और उसमें ऑस्ट्रेलिया का वाइट वॉश हो गया, ऑस्ट्रेलिया 3-0 से हार गई। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने वतन पहुंची तो उनका साउथ अफ्रीका से मुकाबला हुआ और साउथ अफ्रीका से वो लगातार 2 टेस्ट हार गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ, यानी कि 2 टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ और उन्होंने अपनी पूरी टीम बदल दी। जो आप बात कर रहे हैं अगर दूसरे रुख से बात की जाए तो वो बात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जावेद मियादाद भी कह रहे हैं कि मुतबादल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जितनी फतूहत हासिल की उसमें मिसबाह उलग का बड़ा अहम किरदार था। मिसबाह उलग खुद खेलते थे, परफॉर्म करते थे, अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने रन बनाए, सेंचुरियों के रिकॉर्ड बनाए, तो पाकिस्तान जीतता चला गया। ये वो सीरीज है जहां मिसबाह फॉर्म में नहीं थे, मिसबाह रन नहीं बना रहे थे, मिसबाह ने सेंचुरियां नहीं की, मिसबाह जो है वो क्रीज पे ज्यादा देर नहीं खड़े हुए, मिसबाह के आउट होने से टीम हार गई। तो अगर मिसबाह चलते हैं तो टीम जीतती है, मिसबाह नहीं चलते तो टीम हार जाती नहीं। आप इस टीम के बारे में कह सकते हैं कि मिसबाह चले तो टीम जीती, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड में आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इंग्लैंड में बहुत पाकिस्तान 2 टेस्ट जीते और ड्रा किए और सीरीज ड्रा की, तो उसमें यानी कि मैं समझता हूँ कि वहां पे मिसबाह की कारकर्दगी इंग्लैंड में इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने ठीक है स्कोर किया लेकिन इतना ज्यादा नहीं किया। अब आप देखें कि मिसबाह ने 7 इनिंग में 38 रन बनाए और आज भी 38 रन बनाए, तो मिसबाह की ये कारकर्दगी नहीं कि 8 इनिंग में मिसबाह बिल्कुल नाकाम हुए वो, और वो बात सही है आपकी, और वही 6 टेस्ट पाकिस्तान आ रहा है। जी हाँ, फ्रंट फुट से मिसबाह लीड करते रहे और मिसबाह कामयाबियां समेटते रहे, और लेकिन ये कि इंग्लैंड में मिसबाह ने अपनी टीम को सहारा दिया लेकिन इतना ज्यादा सहारा नहीं दिया। यूनुस खान वहाँ खेले, असद शफीक खेले, सरफराज खेले, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब जो वो मिसबाह का जो गोल्डन जो दौर था वो मैं समझता हूँ कि इख्तिताम पज़ीर। अच्छा, वो उस पर भी बात कर लेते हैं, ये जो 6 टेस्ट हारे हैं पाकिस्तान मुसलसल, 1 वेस्टइंडीज से, 2 न्यूजीलैंड से, 3 ऑस्ट्रेलिया से। वेस्टइंडीज का टेस्ट हारे मिसबाह कैप्टन थे, न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट हारे मिसबाह कैप्टन थे, दूसरे टेस्ट में अजहर अली कैप्टन थे, मिसबाह के बगैर भी आपने टेस्ट खेला इस टीम के, वो भी हारे, तो वो भी आप हार गए। तो मिसबाह के होने से या ना होने से आपके फतुहात का सिलसिला बेहतर नहीं हुआ, इसलिए जावेद मियादाद जैसे खिलाड़ी कह रहे हैं कि जी आपने अभी तक मुतबादल तैयार नहीं किया मिसबाह का, तो शायद गालबन उनके जहन में जो कि 1-8 सीरीज आपको मिसबाह को और देनी पड़ेगी और इस दौरान अपना मुतबादल तैयार करें। जिस तरह आपने नाम लिया कि जी यूनुस खान मौजूद है, उनको एक चांस दें, वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के लाए थे T20 का, उसके बाद आपने उनको हटा दिया, आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर यंगस्टर्स में बनाना है तो आप सरफराज को ले लें। एक नाम हफीज का भी आता है, हफीज पर पाबंदी भी खत्म हो गई, तो हफीज कहाँ है? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो हमारे टीम में ग्रुपिंग है तो उसमें हफीज उसमें फिट नहीं होते, हफीज को साइडलाइन किया गया, हफीज के खिलाफ साजिश की गई, उसको हफीज का बॉलिंग एक्शन भी क्लियर हो गया, उसके बावजूद हफीज को टीम में नहीं लिया गया। मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम उन्होंने 2 टेस्ट हारने के बाद पूरी टीम उन्होंने चेंज कर दी, बदल दी। हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की सीरीज जब आप हारे और पहले पीछे से आप वेस्टइंडीज से हार के आए और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज आपने हारी, तो उसके बाद हमारी टीम में मेजर चेंजेस होनी चाहिए थी, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हुई थी उसमें चेंजेस होनी चाहिए थी।
और उसमें खिलाड़ी जो है नए खिलाड़ी डालने चाहिए थे। फिर आप ये देखें कि जो हमारा एक खिलाड़ी है वेस्टइंडीज से हम जीत कर आए ना सीरीज, नहीं एक एक आखिरी टेस्ट हारे थे ना आप, आखिरी टेस्ट हारे थे ठीक है, उससे आपने कोई सबक नहीं लिया, लेकिन जब न्यूजीलैंड से आप दो टेस्ट हार गए तो फिर आपको सबक लेना अलार्मिंग था और आपको टीम में चेंज करनी चाहिए थी। आप ये देखें कि टीम में इतनी यानी कि सिलेक्शन में इतने फिलाज हैं, इतने खिला हैं, उसके बाद ये कि जो मुख्तलिफ तीन टेस्ट में जो टीम चेंज होती रही, जैसे सोहेल खान को आपने बदल दिया और उसकी जगह इमरान खान को लिया है, तो अगर सोहेल खान, मैं समझता हूँ कि अगर सोहेल खान टीम में होते तो दोनों इनिंगों को कुछ ना कुछ स्कोर करते आखिर में और पाकिस्तान ये मैच जो है बचा सकता था। तो सोहेल खान को निकालने का और अल्ताफ उसे इमरान खान को लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि इमरान खान ने ना कोई विकटें ली ना उन्होंने स्कोर किया। पहली गेंद पे वो जो कल यासर शाह आउट हुए तो फिर आके वो पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, वो तो दो गेंदें भी खेल नहीं पाए। उस तो, वक्त अगर यूनुस खान को सपोर्ट मिल जाती तो वो डबल सेंचुरी भी कर लेते, 10,000 रन भी कर लेते या पाकिस्तान को और सड़स आगे ले जाते। दूसरे टेस्ट में उन्होंने 67 की 2000 इनिंग खेली सोहेल खान ने उनको, और वो आउट नहीं हुए थे, उनको डिक्लेयर किया था। तो मेरे वो जो आपने टीम में जो चेंजेस की बात की, तो पहले तो टीम को अगर हम ओपनिंग से शुरू कर लें फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर और उसके बाद फिर बॉलिंग अटैक पे, तो जो ओपनर्स हैं हमारे इस दफा इन्होंने समी असलम को और अजहर अली को इन्होंने आजमाया, उसके बाद जो है वो फिर ये शर्जील खान को लेकर आए, तो ये समी असलम ने और शर्जील खान ने जो तवक्कात थी उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं दे सके। बाबर आजम का क्या मेरिट बनता है टीम में, उन्होंने क्या करके दिया, और इसके बाद फिर पहले मैच में तो असद शफीक ने आपको बचाया और आपको जो है वो आपकी एक बदतरीन शिकस्त को एक ऑनरेबल शिकस्त बना दिया, और वो 39 रन की शिकस्त के बाद लोगों ने कहा कि ये लड़के हारी है टीम इसलिए ये शिकस्त को शिकस्त नहीं है, लड़कों को शाबाश दी, लेकिन बाकी दो मैचों में असद शफीक भी उस तरह नहीं चल सके, तो ये ऊपर से जरा आए नीचे, तो ये जो एक एक खिलाड़ी का है अब आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल इनका? देखें वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि असद शफीक बाकी दो टेस्ट में नहीं चले और पहले टेस्ट में चले, तो मतलब ये कि तो टीम वर्क होता है और आप भी देखते रहे और हमारे शायकीन भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, कोई भी टीम हो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, तो कोई एक खिलाड़ी जो है मुसलसल स्कोर नहीं करता, हर मैच में कोई एक खिलाड़ी स्कोर दो तीन खिलाड़ी जब तक नहीं चले तो मैच मतलब ये कि ये नहीं है कि हर मैच में हर खिलाड़ी स्कोर कर रहा है। अगर असद शफीक स्कोर कर रहा है तो वो हर मैच में स्कोर करेगा, कहीं मिसबा करेगा, कहीं यूनुस खान करेगा। मैं चाहूंगा आपसे ओपनर्स के ऊपर जो है वो फीडबैक लिया जाए कि ओपनर्स के ऊपर आपके कमेंट्स आ जाए, किस हद तक हमें आगे ओपनिंग का मसला रहेगा, और नंबर थ्री का हमेशा से हमें मसला रहा है, इस पर बात करेंगे। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया, शिकस्त की जिम्मेदारी वजूहत क्या है और इस पर तयन करने के लिए मुख्तलिफ बैट्समैनों ने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई, बॉलिंग अटैक क्यों नहीं चल सका, जो खुफिया हथियार था यासर शाह वो क्यों नहीं काम आया, और क्या वजूहत हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं लोगों की, किस तरीके से मैनेजमेंट जो है अपना काम बेहतर कर सकती है और कहां कहां पे फ्लॉज हैं, इस पर बात हो रही है। शिदा चुकता इस अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी, मैं हूं आपका मेजबान सालिक मजीद, बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से और मौजू है आज का क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, शिकस्त की वजूहत और वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं उस पर बात हो रही है। शहजाद साहब क्या है वो, पहले तो ओपनिंग जोड़ी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए टेस्ट टीम में दौरे वेस्ट इंडीज के लिए, और अब ये जो वनडे सीरीज होनी है तो इसमें ज़ाहिर ऑल टुगेदर टीम चेंज होगी, तो पहले तो बताएं ये जो शिकस्त की वजूहत थी उसमें ओपनर्स का कितना किरदार था? देखें आपकी दो पोजीशन ऐसी होती हैं कि ओपनर्स की और वन डाउन बैट्समैन की, ये अहम तरीन पोजीशन होती है और कोई भी टीम जो है इस पर ही रिलाई करती है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के वार्नर को देखें कि वो क्या बताते जारहाना अटैक और बॉलर्स डिफेंसिव हो जाते हैं, तो मतलब ये कि ऐसे खिलाड़ी हमारे थे, सईद अनवर थे, आमिर सोहेल थे, कि जो आते अटैक करते थे। फिर ये कि वन डाउन पे एक डिफेंसिव बैट्समैन की जरूरत होती है कि जो यानी अगर खुदा ना खासा सॉलिड डिफेंस कर ओपनर आउट हो गया तो फिर वो डिफेंसिव क्रिकेट खेल सके और विकेट पर रुक सके और गेंद रोक सके। तो हमारे ये दोनों पोजीशन है बड़ी वो है मतलब नेगलेक्ट हो रही है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर आप देखें तो
अगर T20 का फॉर्मेट देखें, आप वनडे का फॉर्मेट देखें और टेस्ट का फॉर्मेट देखें, तीनों फॉर्मेट में आपकी आपके पास ओपनर है ही नहीं। अच्छा, फिर ये कि ये खतरे की घंटी तो न्यूजीलैंड में बज गई थी कि आपके ओपनर नहीं चले, जब ना अजहर उमर चले और ना समी असलम चले, तो जब खतरे की घंटी बज गई थी तो आपको ओपनर चेंज करने चाहिए थे, कम से कम एक ओपनर अजहर अली नहीं बल्कि समी असलम को आपको चेंज करना चाहिए था, उसको रेस्ट देना चाहिए था। तो आपने आपने उस पर रिलाई किया, इनसार किया, उसका नतीजा पे जो निकला वो आपके सामने। तो ओपनर्स आपके ना T20 में सेट है, ओपनर नहीं है आपके पास, आपके पास वनडे में नहीं है, आपके पास इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, टेस्ट मैच में नहीं है। आप हर मैच में, हर वनडे में, हर T20 में, हर टेस्ट मैच में, हर सीरीज में आप जो है वो नए नए ओपनर डालते हैं और वो नहीं चलते और फिर चेंज करते रहते हैं, मतलब ये शफलिंग बहुत ज्यादा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि जब समी असलम वहां नहीं चल रहे थे, देखा आपने न्यूजीलैंड में जब समी असलम नहीं चले तो फिर ये होना चाहिए था कि हफीज को कॉल करना चाहिए था, समी असलम को अनफिट करा के, मतलब आप वैसे तो चेंज कर नहीं सकते, चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको ये चाहिए था कि हफीज जो था जिनका बॉलिंग एक्शन भी क्लियर हो गया, हफीज एक असासा पाकिस्तान का साबित हो सकता था और अब भी वो असासा है इस लिहाज से कि वो बॉलिंग भी करता है, उसका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया, फिर ये कि ओपनर बहुत अच्छा है हफीज जो है, तो हफीज को आप नहीं लाए और अब भी मैं समझता हूँ कि अब आपको हफीज को लाना पड़ेगा क्योंकि आप प्रेशर आएगा और एक अग्रेसिव प्लेयर चाहिए आपको जो ओपनिंग में आके बॉलिंग अटैक को डिफेंसिव कर दे। हाँ, और दूसरा लोग कह रहे हैं कि अकमल बरादरान के साथ जाती हुई है, उनमें से किसी को कॉल करना चाहिए। उमर अकमल को तो कॉल किया है वनडे में, अब मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की जो टीम गई, लेकिन टेस्ट में भी उनकी जगह बनती है उनकी नहीं। देखें, कामरान अकमल के साथ बहुत ज्यादा हुई है, कामरान अकमल ने जो कायदान ट्रॉफी में कामरान अकमल ने 5 सेंचुरी बनाई और 3 हाफ सेंचुरी बनाई, और वनडे में कामरान अकमल ने 2 सेंचुरी बनाई, 250 बनाई, और टोटल उसने यानी कि दोनों टूर्नामेंट में कोई 1300-1350 उसने रन्स किए। तो अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो कामरान अकमल चले नहीं चले या कामरान अकमल अच्छा बैट्समैन है या नहीं है, लेकिन कामरान अकमल की आपको जरूरत थी एज ए बैट्समैन, ये जरूरी नहीं था कामरान अकमल को आप लें तो सरफराज बिठा दें, उसको एज ए बैट्समैन लेना चाहिए था। कामरान अकमल ने कहा था कि मैं एज ए बैट्समैन खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने मतलब ये कि उसको नहीं शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स हैं उस पर कामरान अकमल ज्यादा कामयाब हो सकता है क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर है और आगे जाके खेलता है। तो कामरान अकमल को आपने नहीं लिया, फिर ये कि हफीज को आपने नहीं लिया। अच्छा, फवाद आलम बहुत अच्छा, यानी वनडे का भी और टेस्ट मैच का, फवाद आलम और ऑलराउंडर है, बॉलर भी, ऑलराउंडर भी है और उसका टेस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, वनडे रिकॉर्ड भी अच्छा है, टेस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, उसको आपने नहीं लिया। फैसल इकबाल का तो खैर आपने कैरियर खत्म ही कर दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये, अच्छा फिर ये कि बड़े यंग प्लेयर जो है ना जिन्होंने डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था। शर्जील को आपने डाला, शर्जील पहली इनिंग में नहीं चले, दूसरी इनिंग में बैरल लिए, शर्जील ने थोड़ा सा प्रूव किया, तेज खेले और 40 रन किए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कल शर्जील आउट नहीं होते तो फिर हो सकता है कि आज का जो सिनेरियो है वो तब्दील हो जाता और पाकिस्तान अगर मैच जीत नहीं सकता था तो मैच। अच्छा, जब प्रॉब्लम हो टीम में मुसलसल कि आपके ओपनर भी ना क्लिक कर रहे हो और उसके बाद आपका थर्ड में जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है वन डाउन, वो भी अगर वो रन नहीं दे रहा, तो माजी में हम देखते थे कि ये प्रॉब्लम आता था, तो इमरान खान ने वर्ल्ड कप 92 में अपने आप को प्रमोट कर लिया था और वो वन डाउन आए थे सेमीफाइनल में और फाइनल में उन्होंने आके टीम को संभाला दिया था। तो इस मैच में फिर यूनस खान को ऊपर करते या मिसबाह को आना चाहिए, मिसबाह को भेजते ऊपर आ जाते या आसिफ शफीक को ऊपर करते, तो ये स्ट्रेटजी नहीं की इन्होंने। नहीं, मिसबाह देखें, मिसबाह के बारे में ये है कि वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं और दिफाई कप्तान है और वो चेंजेस नहीं करते। तो आप देखेंगे जो कप्तान बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करते हैं और जो कप्तान अपना बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करते हैं और टीम में भी चेंजेस करते हैं, तो आप मिसबाह यानी कि मिसबाह की नाकामी की मैं एक सबसे बड़ी वजह ये समझता हूँ कि मिसबाह ने जब मिसबाह नाकाम हो रहे थे तो मिसबाह को अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए था, या तो वन डाउन पे आया था क्योंकि वन डाउन पे आपके पास कोई खिलाड़ी था नहीं, या फिर छठे नंबर पे जाते और असद शफीक को तीसरे पे लाते। आप ये देखें कि जो इंग्लैंड की सीरीज आप क्यों जीते, इंग्लैंड की सीरीज मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मुश्किल सीरीज थी इंग्लैंड की, लेकिन इंग्लैंड में आपकी कामयाबी का राज ये था कि आपका जो अजहर भी चले और बाकी यूनुस भी चले और दूसरे खिलाड़ी भी चले, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम पोजीशन थी वन डाउन की थी,
तीसरी पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन पे वहां असद शफीक खेल रहे थे, और असद शफीक जब ओपनर आउट हुआ करते थे तो असद शफीक वहां आके फंस जाते थे और वहां गेम को रोकते थे और यानी अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा ये बताएं कि ऐसे मैचेस तो बहुत कम हमें याद पड़ते हैं कि आपका एक खिलाड़ी डबल सेंचुरी करे, यानी अजहर अली ने डबल सेंचुरी की, फिर आपका एक मैच में यूनुस खान 175 रन करे। इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स आपके बैट्समैन खेल रहे हैं और उसके बावजूद आपकी टीम हार रही है। टेम्परामेंट नहीं है ना, देखें आप, मैं ये जो आपकी टीम हारी है तो उसकी हारने की वजूहत में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजूहत ये कि आपका टेम्परामेंट नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो कल उन्होंने डिक्लेरेशन वो की, दो विकेटों में डिक्लेरेशन की और फॉलो ऑन पाकिस्तान को नहीं कराया बल्कि वो खुद बैटिंग करने आए, तो उन्होंने 30 ओवर में 32 ओवर में 200 नहीं कितने बनाए, 32 ओवर में 224 रन उन्होंने बनाए, और वो रन रेट बहुत ज्यादा, ख्वाजा और वार्नर बहुत तेज खेले और सात की एवरेज से उन्होंने रन बनाए। तो जब ऑस्ट्रेलिया इस विकेट पे 250-225 रन बना सकती है 30 ओवर में, तो पाकिस्तान को आज 90 ओवर पाकिस्तान के पास थे और पाकिस्तान उसी पेस से खेल के मेरे ख्याल टी से पहले मैच खत्म कर सकता था क्योंकि विकेट में कुछ नहीं था। मैं सुन रहा था रमीज राजा को भी और वसीम अकरम को भी, तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ होती थी कि विकेट बड़ी फ्लैट है और उस पर पिटाई हो रही है और रन्स बड़ी तेजी से बन रहे हैं और बैट्समैन भी वार्नर जैसे अगर बैट्समैन आए हुए हैं तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी कि आप गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर कराते और अपनी फील्ड ऑफ स्टंप पे लेते ताकि रन्स का फ्लो भी रुकता और आप अटैक करते और वो उसमें रन्स बनाने की कोशिश करके आउट भी होते और रन्स भी कम बनते। तो ये स्ट्रेटजी नहीं की गई बल्कि मिडल और लेग पे गेंदें कराई गई और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हर ओवर में जो 7-7 रन्स के औसत से रन्स बनाए और खास तौर पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया यासर शाह को कि आपका जो सबसे ज्यादा ट्रम्प कार्ड था, जो खुफिया हथियार था जिसके लिए आप कह रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस तो लेग स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं और आप शेन वॉन से ही ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आपने वहां पे क्या परफॉर्मेंस दी और आपके कोच ने या कप्तान ने उनको क्या फील्ड प्लेसिंग दी और उनको क्या बताया कि भाई आपने ऑफ स्टंप पे गेंद करनी है, जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो आप ऑफ से गेंद अंदर लाओ, सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मिडल और लेग पे बॉलिंग की और उन्होंने पिटाई की। पहले 3 ओवर में 38 रन दिए यासर शाह, यासर शाह ने मेरे ख्याल से 10 ओवर में 97 या 100 रन दिए। देखें बात यह है कि मैं नहीं समझता कि आपकी बॉलिंग जो है इतनी कमजोर है, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, स्पिन बॉलिंग की बात नहीं हो रही। यासिर शाह को तो यहीं पर जो शारजा में यासिर शाह से गुगली तो हो नहीं रही थी और उनसे यासिर शाह से टर्न भी नहीं हो रही थी। यासिर शाह की जगह अगर वो बाबर जुल्फार बाबर होते और यह है कि वो लड़का उसको तो गायब ही हो गया, हसन रजा इतना अच्छा बॉलर था आपके पास, हफीज होते और कोई और भी बॉलर जो आपके हैं स्पिनर, कोई भी स्पिनर होता तो यासिर शाह से ज्यादा कामयाब हो सकता था। यासिर शाह को ट्रम्प कार्ड करार दिया गया, ट्रम्प कार्ड तो बाबर आजम भी थे कि जी वन डाउन पे बड़ा जबरदस्त ट्रम्प कार्ड आया है, और ट्रम्प कार्ड यासिर शाह भी थे और 2-4 और खिलाड़ी थे, वो सारे वही खिलाड़ी थे जो मिसबा ग्रुप के थे और जो जिसकी मिसबा जिनकी सरपरस्ती कर रहे थे उनकी पैटर्नेज में वो आए थे। तो इनकी जगह कोई भी बॉलर होता स्पिनर तो वो ज्यादा कामयाब होता। मैं समझता हूँ, आप कहते हैं बॉलिंग अटैक हमारा कमजोर इतना नहीं है, उसके मैच तो हम आ रहे हैं, 6 टेस्ट आ रहे हैं और 600-600 रन जिस टीम के खिलाफ बन रहे हो तो उसका बॉलिंग अटैक कैसे बेहतर करार दिया जा सकता है? नहीं, बॉलिंग देखें, बॉलर जब बॉल कर रहा है तो फिर कप्तान का किरदार नजर आना चाहिए ना। कप्तान, आप कह रहे हैं कि लेग पे बॉलिंग की और ऑफ पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, तो ये सब चीज तो कप्तान देख रहा है ना। कप्तान को बॉलिंग यानी कि जो होता तरीका होता है वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू बॉलिंग जो है ना, अकॉर्डिंग टू रमीज राजा कहते हैं कि जी बॉलिंग अटैक क्या था आपका, वहाब रियाज जो ज्यादा लंबा स्पेल नहीं कर सकता, मोहम्मद आमिर जिसको समझ नहीं है सूरत हाल की कि किस तरह बॉलिंग करनी है, गुस्सा है, इमरान खान पोटेंशियल ही नहीं है इतने बड़े मैच के लिए ओपनिंग बॉलर आप, तो आपने बैट्समैन पे क्या प्रेशर डालना था? आप तो अंडर प्रेशर थे, रन रोकने से चौकों से बचना चाह रहे थे कि वार्नर अटैक ना कर दे, वार्नर से चौके किसी तरह रोक के जाए। जब इस तरह की आप सोच लेके मैच में जाते हैं तो फिर आपका यही हशर होता है जो हुआ। नहीं देखें, बात यह है कि ये डिबेकल या ये अलमिये तो हर दौर में होते हैं और सारे बॉलर्स के साथ होते हैं, लेकिन ये कि हमने ये देखा कि जो बॉलिंग हुई ना वो अकॉर्डिंग टू फील्ड नहीं हुई और उसमें मुदाखलत भी नहीं की कप्तान साहब ने, कप्तान साहब को समझाना चाहिए था। बाकी ये कि अब बाब रियाज को इतना समझाया है कि भी थोड़ी सी गेंद आगे कर लें,
अच्छा फिर ये कि अब सोहेल खान की खामी ये है कि वो पहली इनिंग में या पहला स्पेल बहुत अच्छा करता है, उसके बाद फिर उसकी स्पीड और उसकी कारकर्दगी जो है वो कम होती जाती है। तो आप इस तरीके से हमारे जो वनडे के बॉलर हैं इरफान, तो उनके बारे में ये है कि इरफान तीन चार ओवर तो बहुत अच्छे करते हैं, उसके बाद फिर वो ओवर करने के लायक ही नहीं रहते ना। और वो जो हमारे एक उमर गुल थे, उमर गुल का ये था कि उमर गुल को अगर हम मुस्तकल आप दो तीन लगातार मैच खिला दें तो फिर उमर गुल खत्म हो जाते थे। उमर गुल का ये था कोई ना कोई इंजरी आ जाती है उनको, नहीं थोड़ा सा उनको ब्रेक दे के, यानी दो मैच खिलाएं फिर ब्रेक दे दें। अच्छा मैं चाहूंगा कि टीम जो मैनेजमेंट जो साथ इतनी गई हुई थी और वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही थी, मैनेजर कोच हर चीज के लिए अलग कोच रखा हुआ है, माजी में तो ऐसी चीजें नहीं होती थी, अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी टीम मैनेजमेंट है, तो वो क्या रोल प्ले करती है? और फिर ये क्या हमारे लिए बोझ साबित हो रहे हैं, अगर फतुहात नहीं दिला रहे, शिकस्त की शिकस्त आ रही है तो फिर इनकी जरूरत क्या है, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात हो रही है, शहजाद चुगताई साहब अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम सालिक मजीद के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चुगताई। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में, शिकस्त वजूहात और आप आइंदा के तमली के हवाले से। शहजाद साहब, एक तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि माजी में तो इस तरह नहीं होता था कि बैटिंग का कोच अलग, बॉलिंग का कोच अलग, फील्डिंग का कोच अलग, और हर चीज के लिए फिजियो और सारी चीजें, और इतना टफ उनका शेड्यूल और डाइट, सारी चीजें प्लान बनते हैं, कंट्रोल होते हैं, इतने सारे लोग हैं, पूरी बारात जाती है टीम के साथ, इतने खिलाड़ी नहीं होते जितने मेरा ख्याल है कि उनके साथ लुक आफ्टर करने वाले होते हैं। तो ये जब लोग नहीं होते थे तब टीम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती थी, अच्छे अच्छे मुश्किल मुश्किल दौरों में जीत के आती थी, अब ये इतना कुछ होता है और ये चीज परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। दूसरी बात ये बताइएगा कि जब सीरीज शुरू हो रही थी तो शुएब अख्तर का बयान आया था, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टीम इतनी जबरदस्त है और ये ऑस्ट्रेलिया को लिटा देगी, सिर्फ हमारे बैट्समैन 300 रन कर लें, 300 रन अगर बैट्समैनों ने खड़े कर दिए तो हमारे बॉलर्स उनको आउट कर देंगे, ढेर कर देंगे। भाई यहाँ तो 600-600 रन बन के बॉलरों के हमारे ऊपर, और हमारी टीम के आयदर अली ने डबल सेंचुरी कर दी, यूनसान ने 175 रन की इनिंग खेल दी, असद शफीक ने बड़ी इनिंग खेल दी, और बैट्समैनों ने तो कोशिश की, एक एक इनिंग तो खेली उन्होंने, तो वो बॉलर्स कहाँ थे, बॉलिंग अटैक कहाँ था, शुएब अख्तर किसके ऊपर इतनी बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, बॉलर्स तो आपके देखें, इन बॉलर्स के साथ आपने इंग्लैंड से आप जीते, और इंग्लैंड से आपने मतलब दो टेस्ट जीते और सीरीज ड्रा की, यही बॉलर थे। फिर आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप दो टेस्ट जो जीते तो वो भी यही बॉलर थे। तो बॉलिंग तो आपकी, मैं नहीं समझता कि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और अगर आप पूरी दुनिया का मुआवजा करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग जो है वो किसी से कम नहीं है, सिर्फ उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है और थोड़ा उनको बताने की ज़रूरत है कि कैसी कंडीशन में किस कैसी उनको गेन करनी चाहिए। वो जो आप बात कर रहे हैं कि इतने सारे ऑफिशियल हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनसे दो चार कम ही होंगे ऑफिशियल, तो और अगर जो प्लेइंग 11 है, जो 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 ही हमारे ऑफिशियल हैं, जिनमें बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच और फिजियो, मैनेजर, हेड कोच, यानी कि कोई 4-5 तो कोच है ना आपके, हेड कोच। ये मैं पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी बारात जो साथ जाती है तो इसका हासिल क्या है? देखें, कराची में आपको मैं एक ऐसी हटके एक मिसाल दूं कि केएमसी में ये शहर इतना जब बड़ा नहीं था, बड़ा भी था मतलब 50 लाख आबादी थी, तो एक डिप्टी डायरेक्टर होता था कराची का, अब केएमसी के अंदर 15,000 डिप्टी डायरेक्टर है। तो अब जाहिर है कि आपकी आबादी बढ़ गई है, तो अब ये उनको कहीं ना कहीं तो कोई आपको एडजस्ट करना है, रोजगार देना, आमदनी बढ़ गई है तो वो सारे जो पैसे के ठिकाने लगाए जा रहे हैं, आमदनी बढ़ गई है तो फिर अब जाहिर है कि ये सब इनकी ऑफिशियल की फौज जफर मौज। अच्छा, वो सब लोग जो है नजम सेठी की तरफ इशारे कर रहे हैं कि जी नजम सेठी साहब ने ये टीम बनाई है, नजम सेठी साहब सारे फैसले करते हैं और शहरयार साहब तो जो है वो एक डमी चेयरमैन। ये तो एक साबिक चेयरमैन का बयान भी आया था, और अभी पिछले दिनों बोर्ड के एक ऑफिशियल ने भी कहा था कि ये सारा सिस्टम जो है वो सब डमी है,
मेरिट वेरिट का सिर्फ नाम है और मेरिट का ये नाम लेते हैं, बाकी ये कि सारे फैसले जो है ना वो चेयरमैन करता है। और तो ये जो सिलेक्टर्स हैं ये क्या अंगूठा छाप है, इनकी कोई नहीं सुनता या ये इनके पास कोई इख्तियार नहीं है? सिलेक्टर रोते रहते हैं ना सर, अभी ये भाई रोते क्यों रहते हैं, छोड़ दें फिर। अगर इनके पास पावर नहीं है, इनके फैसले सुने नहीं जाते, इनकी मानी नहीं जाती, तो फिर ये क्यों बैठे हुए, क्यों चिपके हुए? इकबाल कासिम सिलेक्टर थे, हारून रशीद सिलेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो ठीक है, थोड़ा बहुत फ्री हैंड था, लेकिन ये कि चेयरमैन उसमें मुदाखलत करते थे, कहते हैं इस खिलाड़ी को लो, इस खिलाड़ी को लो, इसको कप्तान बनाओ। तो मतलब ये कि मुदाखलत तो है ना, मतलब जो चीफ सिलेक्टर है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है। चीफ सिलेक्टर को ऊपर से पर्ची आती है, और मैं समझता हूँ ये जो आपकी टीम है इसमें तो दो तीन खिलाड़ी तो है ना पर्ची पे। मतलब अब लोग ये सवाल तो पूछ कर रहे हैं ना कि बाबर आजम किसकी पर्ची पे, क्यों आपने इसको लिया है, और ये इसको ट्रम्प कार्ड इतना इसकी प्रोजेक्शन किया है यासर शाह का, तो मतलब इस टाइप के। वसीम अकरम तो कहते हैं कि भाई यासर शाह से तवक्कुआत इसलिए वाबस्ता हो गई थी कि एक आदमी जो है वो 100 विकटें लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, सबसे कम मैचों में उसने 100 विकटें ले ली, तो जाहिर है कि जब ऐसे लड़का कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो फिर तवक्कुआत होंगी कि भाई बड़ा दौरा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें ये पाकिस्तान का की बॉलर साबित होगा। तो अब उसके ऊपर या तो बर्डन बहुत ज्यादा आ गया उसमें तवक्कुआत का, या वो प्रेशर में आ गया, या उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके। देखिए मैं समझता हूँ आपके पास अगर वर्ल्ड क्लास, आपके पास वर्ल्ड क्लास यासर शाह ने 100 विकटें ले ली, और यासर शाह ने एक मैच में मेरे ख्याल 10 विकटें भी ली और 5-5 विकटें बहुत बार ली, लेकिन यासर शाह जो है वो स्पिन विकट, जो हमारी जनूबी एशिया की स्पिन विकटें हैं जो बरसगीर में, बरसगीर की या मिडल ईस्ट की, दुबई की, तो उन विकटों का बादशाह है, उन विकटों पर वो ट्रम्प कार्ड है। और जब यही टीम न्यूजीलैंड जाती है और यही टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं और आपका मजाक उड़ता है। और आपने देखा होगा कि ये यासर शाह कितना मजाक उड़ा कल, किस तरीके से उसने चौके छक्के मारे। वार्नर ने तो उसको बिल्कुल ऐसे जैसे किसी क्लब का कोई आम सा बॉलर हो या किसी गली मोहल्ले में कोई बॉलिंग करा रहा हो लड़का, उसको इस तरह छक्के और चौके मारे। तो दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ यानी कि बॉलिंग में जो खामी है वो ये है कि देखिए वो शॉर्ट पिच गेंदे बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच गेंदों का ही खेल होता है और वो जो बैट्समैन होते हैं वो उसके मास्टर होते। लोग एतराज कर रहे थे कि जो कोच आपने रखा है उसको दो टीमों ने निकाला था और आपने रख लिया, तो जाहिर है किसी वजह से निकाला गया होगा या किसी वजह से ही उसको वहां पे जो है वो कामयाबी नहीं मिली होगी, तो आपकी टीम को वो क्या कामयाबी दिलाता? देखिए गैर मुल्की कोच इस लिहाज से तो बेहतर होता है कि उसकी कोई पसंद नापसंद इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो लड़कों को मेरिट पे ही देखता है। अच्छा हमारे यहाँ जैसे कि कोई लोकल कोच जो होता है वो उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है, या ये कि रिसेंटली अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हुआ हो उसको आप कोच बना दें तो वो तो फिर कप्तान ही बन जाता है। तो मतलब इस किस्म के मसाइल जो है ना वो होते हैं। मैं समझता हूँ कोच का इतना इसमें हमारी जो ये डिबेकल हुआ है, सानिया है, सिडनी हुआ है, तो इसमें कोच का इतना किरदार। लेकिन बाज तो पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि जी ये जो बाहर के कोच होते हैं ये जिस तरह आपने शुरू में बात की थी, ये हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस को और हमारे खिलाड़ियों की लाइफस्टाइल को नहीं समझते, ये उसी तरीके से आके इंडोर्स करते हैं चीजें जैसे बाहर वो अपने खिलाड़ियों के लाइफस्टाइल और फिटनेस से या उनके खुराक से, उनके डाइट प्लान से वाकिफ होते हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई डाइट प्लान उस तरह का होता है, ना कोई इस तरह की एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है, ना इतनी फिटनेस होती है, वो आके इनको इतना थका देते हैं, इतनी एक्सरसाइज मैच से पहले ही करवा देते हैं, इतनी इनकी डाइट प्लान और इस तरह की चीजें चेंज कर देते हैं कि हमारे खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं, और जब ग्राउंड में जाके खेलने की बारी आती है तो उस वक्त डिलीवर करने की बजाय जो है वो उस सब बिल्कुल थके हुए होते हैं। देखिए फिटनेस की जो आप बात करते हैं, तो काकुल में जो आप लोगों की आपकी टीम की जो ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद जो मिसबा अलक ने वहाँ पे पुशअप लगाए थे जिसका मजाक भी उड़ाया गया और जिस प्रकार गोरों ने बुरा ही बहुत माना, तो वो जो ताकत दिखाई थी मिसबा अलक ने वो सारी ताकत तो अब न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ज़ाया हो गई। असल आपके आपकी टीम का जो बुनियादी जो मसला है, जो इशू है, वो है ही फिटनेस। आज मिसबा अलक ने भी एतराफ़ किया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ मतलब कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो दूसरे मुल्कों में कंडीशन है उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें 100% फिटनेस जो है आपकी होनी चाहिए। अगर 100% फिटनेस नहीं है तो फिर ये कि आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। अच्छा अब आप ये देखें कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ियों की डाइट और गोरों की डाइट बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब हमारे खिलाड़ियों की डाइट, हमारे खिलाड़ी मगज़ निहारी पाए हलवा पूरी ये बड़े शौक से खाते हैं, पाकिस्तान में खाई जाती हैं।
अच्छा, और जब वो इंग्लैंड में होते हैं तो वहाँ भी ये गज़ा अवेलेबल होती है, तो वो ये चीज़ें तो खाते ही नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि उनके खाने में नमक भी कम होता है। अच्छा, फिर ये कि वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो आपके यहाँ प्रोटीन डाइट का कोई कोई रिवाज ही नहीं है, नहीं बदमज़ा उसको खाना समझा जाता है। तो फिटनेस आपकी हो नहीं, जो दुनिया में फुटबॉल में आपका कौन सा नंबर है? मेरे ख्याल से 132-134 इस नंबर पे पाकिस्तान की टीम फुटबॉल में है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मतलब आप कह सकते हैं कि नीचे से टॉप 10 में है, ये हालत होगी। तो मतलब ये कि कहने का मकसद ये कि फिटनेस जो, अच्छा हमारे फिर हमारे यहाँ 8 महीने गर्मी पड़ती है, तो इस किस्म के मामला हैं। अच्छा, ये तो फिटनेस का भी आपने बताया, कोचेस की भी आपने बात कर ली। अब मैं पर्टिकुलर दो बंदों की स्पेसिफिक बात करूंगा। मिसबाहुल हक के बारे में आपने शुरू में कहा कि भाई इनका अरूज तो खत्म हो गया। मिसबाहुल हक का फ्यूचर क्या है? एक महीना उन्होंने कहा अभी सीरियस है वनडे की, और उसके बाद PSL है, तो मेरे पास सोचने का एक टाइम है, इस दौरान मैं फैसला करूंगा। तो अब क्या फैसला उनका? दौरा वेस्ट इंडीज आप समझते हैं उनको करना चाहिए? मियादाद तो कह रहे हैं नेमर बदल नहीं है, इसका मतलब है वो इशारा दे रहे हैं कि इनको भी कप्तान रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि दौरा वेस्ट इंडीज मिसबाहुल हक को करना चाहिए एज ए कैप्टन या अलग हो जाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि मियादाद की बात भी सही है, और मेरा ख्याल ये है कि ये मिसबाहुल हक को दौरा वेस्ट इंडीज तो करना चाहिए। और अगर यानी कि मिसबाहुल हक की कप्तानी का इनसार क्रिकेट बोर्ड पे, कि क्रिकेट बोर्ड उनको कितना मैंडेट देता है और कितना उनको कहता है कि भाई आप खेलें। तो क्रिकेट वो आपको याद होगा कि उन्होंने जब वो पहला टेस्ट हारे थे, दूसरा टेस्ट हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा टेस्ट हारने के बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं अब गौर कर रहा हूँ रिटायरमेंट पे। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी वो तो रात की वो बात, तो बोर्ड ने कहा ना कि भाई आप अभी फैसला ना करें, बोर्ड ने उनको कहा कि प्रेशर आया बोर्ड का। तो फिर ये है कि या तो मिसबाहुल हक के लिए बेहतर ये है कि वो टीम की भी जान छोड़ें और अपनी भी जान छुड़ाएं और क्या कहते हैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। अच्छा, अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर एक दौरा है वेस्ट इंडीज में उनको यानी कि मौका दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरे पास ऑप्शन है इसका कि हफीज को कप्तान बना दी जाए, हफीज क्या कहते हैं इस मैयार पे पूरे उतरते हैं। अगर यूनुस खान को नहीं बना रहे आप, तो हफीज को बना दीजिए। तो अजहर को जो कप्तान बना, अजहर को मिसबाहुल हक का, देखें वो जो आप कह रहे हैं ना कि मियादाद कह रहे हैं कि मिसबाहुल हक का मुतबादिल नहीं है, मिसबाहुल हक ने अपना मुतबादिल तैयार किया तो है। ये अजहर जो मतलब जो यानी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर रहा, मुतबादिल तो उसने यानी हफीज को बाहर निकाल के, हफीज को साइड लाइन करके, मिसबाहुल हक का कप्तान तो अजहर अली है। अजहर अली कप्तानी में बैट्समैन अच्छा है, ठीक है, लेकिन अजहर अली कप्तानी में एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात अगर आप छोड़ें तो वो कमज़ोर है, यानी कि ये जो खुदादा सलाहियत होती है कप्तानी की, तो वो जो सूझबूझ होती है ना, जो जैसे कि हमारे मियादाद में बड़ी सूझबूझ थी, अच्छा इमरान खान में सूझबूझ थी, इमरान भी अपने मुश्किल मैच मियादाद पे छोड़ के ग्राउंड से बाहर चले जाते। हाँ, तो मतलब ये कि ये तो खुदादा सलाहियत होती है, तो खुदादा सलाहियत हम देखते हैं कि वो उसमें बहुत सूझबूझ है हफीज के अंदर। और हफीज उसके बाद सरफराज के बारे में भी, लेकिन PSL में तो देखा ना सरफराज को, तो फिर अभी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। सरफराज देखें होना ही चाहिए था कि सरफराज को आप T20 और वनडे सरफराज को दे देते, टेस्ट मैच मिसबा रखते, लेकिन मिसबा जो थोड़े आगे देख रहे थे तो वो चाह रहे थे कि जो अगला कप्तान आए वो हमारे ग्रुप का आए, ताकि फिर हमारे ग्रुप की। अच्छा, ये तो है ग्रुपिंग की बात आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अब यूनुस खान साहब का क्या होगा? वो तो आज भी उन्होंने कहा मैच के बाद कि भाई मैं कोई सरप्राइज ऐलान नहीं करूंगा, ये नहीं है कि अचानक मैं कह दूं जी मैं रिटायर हो रहा हूं, या मैं ये कह दूं कि मैं अभी दौरा वेस्ट इंडीज भी करूंगा, तो बोर्ड के साथ बैठ के बात करूंगा। यूनुस खान, जितनी क्रिकेट है वो मैं खेलूंगा। यूनुस खान का मसला ये है कि वो गैर संजीदा आदमी है, वो एक दफा ऐसी मैच छोड़ के चले गए थे। अच्छा, और वो नाराज रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं। देखें यूनुस खान कहते थे कि मुझे वनडे में मौका नहीं मिलता, नहीं तो जाती नहीं उनके साथ, उन्होंने आपको जो है वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, T20 हाँ। का, और उसके बाद आपने क्या अशर किया उसे? यूनुस खान का ये गिला था कि मुझे वनडे में मौका नहीं दिया जाता, तो उनको फिर वनडे में मौका दिया गया। जब वनडे में मौका दिया गया तो उन्होंने अचानक जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और कहा कि जी मैं वनडे से रिटायर हो रहा हूँ, 2-3 मैच बाकी थे, वो वनडे सीरीज छोड़ के चले गए। तो अब यूनुस खान तो कोई इसी टाइप का फैसला मुमकिन है करें, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि यूनुस खान को अभी, क्योंकि उन्होंने 167 बना के ये प्रूव किया है कि वो क्रिकेट नॉट आउट थे, 175 बनाए उन्होंने,
और ये साबित किया कि उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट है। और यूनुस खान 16 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, यूनुस खान का फुटवर्क, अब उनको 10,000 रन बनाने 36 रन रहते थे, इस दफा वो 13 रन बना पाए। हाँ, टेक्निक और उनका फुटवर्क जो 16 साल पहले था वही अब है और अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी आखिरी टेस्ट था तो आखिरी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे एक उनकी सीरीज तो बनती है, और अगर वो उस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनको खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और मिसबाह अलख पे भी अब ये यानी कि बोर्ड उनको कितना सपोर्ट करे, लेकिन ये कि मिसबाह अलख दबाव में आ गए और मिसबाह अलख पे ये प्रेशर आ गया कि आप रिटायर हो जाएं। और मीडिया का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, वो कितना मुनसिफाना है और कहां कहां आप समझते हैं कि थोड़ी सी ज्यादती करता है मीडिया? नहीं, देखें मिसबाह का इसकी जो बात कर रहे हैं टीम की या मिसबाह की या चैनलों की और मीडिया की जो आप बात करते हैं, तो जब टीम परफॉर्म करती है अच्छा खेलती है तो फिर उनका रवैया बहुत अच्छा हो जाता है, और जब वो टीम परफॉर्म नहीं करती तो फिर जाहिर है कि वो तनकीद का निशाना बनते हैं और उन पर नुक्ताचीनी होती है और उनसे मतलब शायकीन भी खुश नहीं होते, मीडिया भी खुश नहीं होता। तो अब जाहिर है कि आपने लगातार 6 मैच हार दिए, अच्छा आपने ऑस्ट्रेलिया से पूरी सीरीज हार गए, लेकिन मैं एक पॉजिटिव साइन इसके अंदर ये ज़रूर है, मैं अपने नाज़रीन से भी और शायकीन से भी एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मुश्किल दौरा रहा हमेशा के लिए, और अभी 4 सीरीज पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हारा है, और 99 में भी हारा था जब पाकिस्तान की टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम बड़े बड़े स्टालवर्ट होते थे, शोएब अख्तर होते थे। तो लेकिन ये जो आप 3 टेस्ट हारे हैं, ये तीनों टेस्ट ऐसे नहीं हारे कि एकदम कोई मैच 2 दिन में खत्म हो गया, कोई 3 दिन में खत्म हो गया, ये 4 दिन में खत्म हो गया, पाकिस्तान की टीम 200 रन, पहला टेस्ट तो आप जीते रह गए। तो ये सारे जो मैच थे ये आप लड़के हारे हैं, ये मुकाबला करके हारे हैं, और इन मैचों में आपके खिलाड़ियों ने सेंचुरियां बनाई हैं और परफॉर्म किया है। बॉलर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, बॉलर को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे बॉलर इनमें बड़ी पोटेंशियल है। वहाब रियाज, लेकिन इस सीरीज में किसी बॉलर ने 5 विकेटें एक इनिंग में नहीं ली, किसी ने 10 विकेटें नहीं ली, आपकी दूसरी टीम जो है वो ऑल आउट करना मुश्किल थी, वो डिक्लेयर करते रहे, तो ये है कि बॉलिंग उस तरीके से उनकी होम सीरीज नहीं दिखा सके, दिखाते होम सीरीज में जो आप एक आपकी जो होम सीरीज है ना, तो उसमें तो आप 5 विकेटें भी लेते हैं विकेटें। अब आने वाली सीरीज भी होम नहीं है, वो भी वेस्ट इंडीज में आपने जाना है और उसे अच्छी तवक्कात रखनी चाहिए। नाज़रीन, आज आपने देखा, हमने बात की दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त के हवाले से, वसीम अकरम ने भी क्रिकेट टीम को यही कहा कि अब वेस्ट इंडीज़ का दौरा है उस पर तवज्जो रखनी चाहिए, और उन्हें ये तवक्को है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी, और वहाँ पर पाकिस्तान टीम हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर फतूहत हासिल करके ये सारे जो शिकस्त हैं ये लोगों को भुला दें और वहाँ भूल भी जाएँ कि क्या क्या हुआ था, लेकिन अपनी गलतियों पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी कमजोरियों को जो है वो तस्लीम करना चाहिए, और उनकी इसलाह करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को और जो मुतल्लिक़ लोग हैं उन सबको उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और सिर्फ एक सीरीज या एक मैच हारने से पूरी टीम बदल देना या सबको बाहर निकाल देना ये मसले का हल नहीं है। जहां जहां चीज़ों की जरूरत है वहां पर रिशफलिंग होनी चाहिए, और जहां जहां चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है, जो गलतियां कमजोरियां हैं उनको आगे इम्प्रूव करने के लिए सर जोड़कर बैठना चाहिए और एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए, और जहां जहां पे आप समझ रहे हैं कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है और दूसरे लोग डिजर्व करते हैं उनको शामिल करना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेजबान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।